नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बहते पानी से मछली पकड़ने का कारोबार जोरों पर है। गौरतलब है कि जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक मछली मारने को लेकर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि इस समय मछलियों का प्रजनन काल का समय होता है। इसके बावजूद यानी प्रतिबंध के बाद भी मछली मारने का काम लगातार जारी है। जिले में बहती नदियों से मछलियों का व्यापार लगातार किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले की नदियों से लेकर तालाबों में व्यापार अभी भी फल फूल रहा है। इस बात की जानकारी सभी लोगों को है, बस समस्या ये है कि प्रशासन को ही ऐसे मामलों की जानकारी नहीं हो पाती। देखना ये होगा कि क्या इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन किसी हरकत में आता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जून माह से, आपने देखा होगा कि अगस्त माह तक मछली मारने पर पूर्व प्रतिबंध रहता है। हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें बड़े बड़े जाल लगाए जा रहे हैं और मछलियों को मारा जा रहा है। ये हमारे यहाँ का पर शासन प्रशासन सभी जानते हैं कि मछली मारने पर पूर्व प्रतिबंध है। इस पर शासन से मेरा निवेदन है कि वह इस विषय में कोई ठोस कदम उठाएँ और मछली मारने वालों पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। ये आप सभी जानते हैं कि चीचली में सीता रेवा नदी है, इसके कुछ घाट हैं, उन पर मछली मारी जाती है और उन घाटों पर आपने देखा होगा कि जाल लगे हैं अभी भी, उनके ऊपर अभी कोई रोक लगी नहीं रही है।